भारतीय संविधान में बाल विवाह को एक आपराधिक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि सभी नियम और कानून को ताक पर रख लोग कुरीतियों को जन्म देकर बाल विवाह करते हैं। ये ताजा मामला गोवर्धन थाना इलाके के गांव रंगपुरा का प्रकाश में आया है, जहां शिवचरण उर्फ शिवो नाम के एक व्यक्ति ने अपनी बड़ी बेटी दीपा की शादी आगरा के अकोला गांव में एक परिवार से तय कर दी, जिसका विवाह 20 अक्टूबर यानी कल रात को संपन्न हुआ। लेकिन शिवचरण द्वारा अपनी छोटी बेटी दीपेश, जिसकी उम्र महज 13 वर्ष है, उसकी भी शादी अपनी बड़ी बेटी के साथ कर रहा था, जिसकी जानकारी समय रहते गोवर्धन पुलिस को हो गई और मामले की जानकारी महिला हेल्पलाइन को भी दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और महिला हेल्पलाइन की टीम ने 13 वर्षीय दीपेश की शादी को रुकवा कर बच्ची दीपेश को कुरीतियों के जाल से मुक्त करा दिया। इस संदर्भ में महिला हेल्पलाइन टीम की अधिकारी अनीता ने जानकारी दी। मामला ये है कि यहाँ पे ये रंगपुरा गांव है, इसमें जो दीपेश है पुत्री शिवचरण, इनकी नाबालिग की शादी होने की ये खबर मिली है। उसको लेते हुए हम लोग हेल्पलाइन और पुलिस चौकी थाना सब यहाँ आए हैं और इसमें इनको ये समझाया गया है कि नाबालिग लड़की की शादी करना एक कानून अपराध है। पहले तो इन लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि शादी हो रही है तो ये सामाजिक तरीके से एक ऐसी आपत्ति है समाज के ऊपर कि हम छोटी उम्र में शादी करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी हमने इनको समझाया है तो ये लोग मान गए। तो क्या मैम आपने यहाँ आके देखा कि वो वास्तव में नाबालिग थी? वास्तव में नाबालिग है। कुछ दस्तावेज चेक किए उसके? कुछ उसका हमने इस प्रमाण पत्र स्कूल में जाके सुबह से लेके अब हो गया है शाम को जाके, इसका एज प्रमाण पत्र हमें स्कूल से 8वीं की एक मार्कशीट प्राप्त हुई है जिसमें 2005 का इसका जन्म प्रमाण पत्र मिला है। उससे ये सिद्ध होता है कि अभी लड़की 13 साल भी कंप्लीट नहीं हुई है। इसलिए आपको इसकी सूचना कब दी गई थी? इसकी सूचना मुझे आज ही दोपहर में चाइल्ड लाइन से मिली है। प्रोविजन में इसका लेटर आया था, वो मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मिला है। मैं तुरंत उस काम के लिए दौड़ी हूँ और फोर्स को भी सूचना दी गई है। पूरी फोर्स का मुझे सहयोग मिल रहा है और शादी रुकवाने का पूरा प्रयास भी है। गांव वाले ये चाहते हैं कि चलिए जो गलत है उसका हमें विरोध करना चाहिए। क्योंकि तो जो बालिक है जो उसकी शादी हो गई या मतलब क्या होने वाली है? हाँ, उसकी एक बड़ी बहन भी है दीपा, जिसकी शादी तो होने जा रही है क्योंकि वो बालिक है। उसका प्रमाण पत्र मिला है कि वो 18 साल से ऊपर है तो उसका शादी हो रही है, सब तैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन छोटी लड़की की शादी रुकवा दी गई है, उसकी शादी नहीं हो।